यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, जैसे कि हम हिंदी में कर रहे हैं कविता नंबर एक, जिसका नाम है कक्कू। हमने इसकी रीडिंग जो है वो कर ली है। उसके बाद मैंने आपको इस कहानी के बारे में, कविता के बारे में बताया था कि कक्कू कौन है, वो क्या करता है। उसके बाद आपने इसकी वीडियो मुझे सेंड की थी, भेजी थी। इसकी सुलेख रचना भी हम कर चुके हैं। तो बेटा, आज हम करेंगे इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल वाले वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, तो इस कविता में से मैंने ये 20 वर्ड्स जो हैं आपके लिए, 20 शब्द जो हैं वो चुने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वर्ड से। क, फिर आधा क, क, क को बड़े उ की मात्रा, तो ये बना कक्कू। ठीक है, उसके बाद नंबर दो पे है क, क को ओ की मात्रा, य, ल, कोयल। उसके बाद है ल, ल को ए की मात्रा, क, क को छोटी की मात्रा, न, लेकिन। द को छोटी की मात्रा, दी, न, भर, दिन भर। अब इसमें छोटी लगी है तो इसमें छोटी आवाज़ आएगी, अगर किसी में बड़ी लगी होती है जैसे कि इसमें जिसकी, तो उसमें बड़ी आवाज़ आएगी। नंबर पाँच पे है छोटी ई, स, स को बड़ी की मात्रा, ल, ल को छोटी की मात्रा, ए, इसी लिए। नंबर सिक्स पे है च, च को छोटी की मात्रा, ढ़, ढ़ को आ की मात्रा, त, त को ए की मात्रा, चिढ़ाते। नंबर सेवन पे है स, आधा क, क, क को बड़े उ की मात्रा, सक्कू। म, म को छोटी की मात्रा, स, र, र को बड़ी ई की मात्रा, मिस्री, मिस्री। उसके बाद है ज, ज को छोटी की मात्रा, स, क, क को बड़ी की मात्रा, जिसकी। नंबर दस पे है भ, ड, क। अब ये ड है लेकिन इसके पैर में बिंदी लगी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे ड, भड़क। तो नंबर टेन पे बना भड़क। उसके बाद नंबर 11 पे ठ, ठ को छोटी की मात्रा, ठ, ठ को ओ की मात्रा, ल, ल को बड़ी की मात्रा, ठिठोली। भ, आधा क, फिर पूरा क, क को उ की मात्रा, भक्कू। उसके बाद च, च को छोटी की मात्रा, ढ, न, न को आ की मात्रा, चिढ़ना। उसके बाद है म, म को छोटे उ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ह, मुँह। उसके बाद फ, फ को छोटे उ की मात्रा, ल, ल को आ की मात्रा, ए, फुलाए। उसके बाद नेक्स्ट पे है नंबर 16 पे झ, ग, ड, ड के पैर में बिंदी है इसलिए ड, ड बन जाएगा, ड को आ की मात्रा, ल, ल को बड़े उ की मात्रा, झगड़ालू। उसके बाद है नंबर 17 पे च, च को छोटी ई की मात्रा, ड, न, न को आ की मात्रा, चिढ़ना। उसके बाद नंबर 18 पे देखिए झ, झ से झंडा, आधा क, फिर पूरा क, फिर उसको बड़े ऊ की मात्रा, झक्कू। नंबर 15 आई थिंक मैंने स्किप कर दिया बेटा, तो इसमें क्या है फ, फ को छोटे ऊ की मात्रा, ल, ल को आ की मात्रा, और फिर छोटी ए, फुलाए। उसके बाद नंबर 19 पे है छोटा ऊ, स, क, क को आ की मात्रा, उसका। नंबर 20 है आधा क, य, य को ओ की मात्रा, बिंदी, फिर पूरा क, क को छोटी की मात्रा, क्योंकि। तो आई होप कि आपको ये जो 20 शब्द हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमने कविता नंबर एक कक्कू में से लिए हैं। तो इन सभी शब्दों को बेटा आपने पहले अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको अभी अभी पढ़ के बताया है एक एक वर्ड, ताकि आपको इनकी सारी मात्राएं जो हैं वो समझ में आ जाएं कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगी है और उसकी क्या आवाज़ आ रही है। लिखने वाला काम बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 2 मिनट में ही हो जाता है।
तो ज़्यादा काम आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि आप पहले मात्राओं को समझें, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को समझेंगे नहीं तो आपको लिखना नहीं आएगा। तो उनकी आवाज़ें, उनकी ध्वनियाँ, वो कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे बड़ी ई लग रही है, कहाँ पे बड़ा ऊ लग रहा है, तो इन सब बातों को आपने अच्छे से पहले लर्न करना है और फिर ही आपने जो रिटन काम है वो अपना शुरू करना है। ओके क्लास, सो दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास वर्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।